नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कॉफी विद करण इन दिनों काफी सुर्खियों में है। करण जौहर का चैट शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखाया जा रहा है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में कृति सनोन और टाइगर श्रॉफ शिरकत करेंगे। इस दौरान दोनों अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ निजी जिंदगी से जुड़े भी कई राज खुलते नजर आएंगे। शो में जहां टाइगर ने दिशा पाटनी के साथ अपने रिलेशनशिप को खुलकर बात की है, वहीं एक्ट्रेस कृति सनोन भी आदित्य रॉय कपूर की जमकर तारीफ करती नजर आई है। इतना ही नहीं, कृति ने करण जौहर से ये तक कह दिया कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। शो के दौरान करण जौहर ने कृति से कहा कि उन्होंने एक पार्टी में आदित्य और उन्हें एक साथ एक कॉर्नर में कोजी होते देखा है, तो इस पर कृति ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कृति सनोन ने कहा, मैं कोने में कडलिंग नहीं करने जा सकती और आप ये जानते हैं, लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे और वो एक मजेदार लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे लगता है कि हम एक साथ अच्छे दिखेंगे। वहीं करण जौहर ने कृति सनोन की बातों पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वो दोनों की एक मीटिंग करवा सकते हैं। करण जौहर ने कहा कि उनका एक रेस्टोरेंट है जहां कृति और आदित्य एक साथ जा सकते हैं और हैंगआउट भी कर सकते हैं। करण की बात पर कृति भी हामी भरती नजर आई है। जिस तरह से कृति ने आदित्य रॉय कपूर को लेकर अपने दिल की बात रखी है, उसके बाद ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आदित्य कृति की ये बात सुनकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बता दें कि करण जौहर के इस शो में अब तक कई स्टार्स नजर आ चुके हैं। शो के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट नजर आए थे। वहीं उसके बाद सारा और जानवी, करीना और आमिर, शाहिद और कियारा सहित कई स्टार्स शो में शिरकत कर चुके हैं। बता दें कि करण जौहर का ये शो OTT पर कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुका है। बात करें कृति सनोन की, तो जल्द ही वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत पार्ट 1 में नजर आएंगी। इस फिल्म में कृति का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। ये फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। इस फिल्म के अलावा कृति सनोन ओम राउत के फिल्म आदि पुरुष में एक्टर प्रभास के साथ नजर आएंगे। इतना ही नहीं, वो वरुण धवन के साथ भेड़िया और कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म शहजादे में नजर आएंगे। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताइएगा कि कृति सनोन के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है आदित्य रॉय कपूर इस पर क्या रिएक्शन देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।